गाइस वेलकम टू माय चैनल डीएस टेक हिंदी। दोस्तों अगर आपके स्मार्ट टीवी में या एमआई का हो या फिर आपका रियलमी का हो या फिर कोई सा भी स्मार्ट टीवी हो, अगर आप उसमें क्रोम डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्रोम डाउनलोड कर रखा है, तो किस तरीके से आप क्रोम डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इसके दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल क्लियर मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ना क्रोम डाउनलोड करके इसको उसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो भाई, जैसे आप मोबाइल को यूज़ करते हो उसी तरीके से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ पहले कि भाई देखो इस तरीके से अगर आपको कोई रिजल्ट वगैरह या फिर आपकी वेबसाइट खोलना है या फिर आपको कुछ काम करना है तो आप कर सकते हो। अब इसके लिए दो तरीके हैं। पहले तो एक काम कीजिए, आपके पास अगर पेन ड्राइव है तो उसमें आप उस ऐप को जो क्रोम है आपके मोबाइल से आपको पेन ड्राइव में डाल लेना है, ठीक है। वो आप डाल लोगे। एक तरीका तो ये है कि भाई पेन ड्राइव में डाल के आपको पेन ड्राइव इसमें लगा देना है, और लगाने के बाद आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पर। या तो आपने डाउनलोड कर रखा होगा ये सॉलिड एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। इसमें जाने के बाद आपको जो भी आपने फोल्डर में डाला है वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे भाई मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ऐप डाल रखे हैं, अभी आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन में जाके, ठीक है। यदि आपने अपने फाइल मैनेजर डाउनलोड कर रखे है तो अच्छी बात है। तो एक तरीका तो ये हुआ भाई आपका, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पर डाउनलोड कर रखे हैं, मैं आपको पहला प्रूफ बता देता हूँ, और आप वीडियो को स्किप मत किया करो, वीडियो पूरा देखा करो, फिर बाद में कमेंट करते हो आप। अब देखो इस क्रोम का लिंक मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसी से ही आपको डाउनलोड करना है, बाकी आपको डाउनलोड नहीं करना है। अब जो दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ वो आपके मोबाइल से आपको फाइल सेंड करनी है, ठीक है। मोबाइल से कैसे करनी है, आपको डाउनलोड करना है एक ऐप, ऐप का नाम है भाई यहाँ पर सेंड टू एंड रिसीव टू फाइल, ठीक है, कुछ इस तरीके का नाम है। और वैसे एक वीडियो बना रखी है मैंने स्पेशली सेंड फाइल टू टीवी। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में जाना है, MIDI की में या फिर आपका स्मार्ट टीवी जो भी है उसमें इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, और इसी को ही आपके फ़ोन के प्ले स्टोर में जाके आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऐप और डाउनलोड करना है आपके फ़ोन में ऐप के शेयर नाम से। जैसे आप ऐप के शेयर ऐप डाउनलोड करोगे तो उसके ना आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको जाके जो लिस्ट में आपको ये क्रोम दिख रहा है इसको यहाँ से कर देना है भाई सेंड, ठीक है। सेंड करने के बाद में आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो आपके फाइल यहाँ पर शो हो जाएगी, जो भी फाइल आपको मिली होगी, ठीक है। उसके बाद आपको फाइल एक्सप्लोरर जो भी है आपका उसको डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ से भाई इसको कर लेना है आपको इंस्टॉल, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो ये बार बार इंस्टॉल हो नहीं रहा, ठीक है। अपडेट मांगेगा तो अपडेट हमने कर नहीं रखा। तो इस तरीके से आप भाई आपके मोबाइल में ना क्रोम डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी को ही आपको डाउनलोड करना, क्योंकि मैंने सारे लिंक चेक कर रखे हैं, सारे क्रोम के वर्जन चेक कर रखे हैं, और इसमें भी देखो ये अपडेट मांगता है लेकिन मैंने इसको अपडेट किया नहीं है अभी तक, ठीक है। देखो ये अपडेट मांगता है यहाँ पर भी लेकिन मैंने किया नहीं है इसको अपडेट अभी तक। तो दोस्तों ये आपको इस तरीके से क्रोम आप डाउनलोड कर सकते हो भाई, जो भी आपको यहाँ पर कुछ भी सर्च करना हो, आपका नाम वगैरह जो भी कुछ भी, ठीक है भाई। क्रोम तो आप यूज करते ही हो। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए। और अगर आपको MIDI TV या फिर YouTube से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, या फिर आपको स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड टीवी के एप्लीकेशन से YouTube से या फिर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमको टाइप जरूर करना, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे भाई। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।